अरे किटी, देखो, नासा में एक 17 साल के इंटर्न ने पृथ्वी जैसे एक ग्रह की खोज की है। है ना कमाल की बात? तो चलो वहां चलते हैं। मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी समझ सकता हूँ किटी, और हो सकता है कि किसी दिन हम किसी और प्लेनेट पर रहने लगें। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उस नई दुनिया में वो चारों डोमेन हो जो अर्थ पर मौजूद हैं। डोमेन्स? सही कहा, डोमेन्स। हे दोस्तों, बिल्कुल सही कहा गया है कि हेवन हमारे कदमों के नीचे और सर के ऊपर है, पर हम बस उसे एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। तो चलो, आज के एपिसोड में मैं आपको अर्थ के इन चारों डोमेन्स के बारे में बताता हूँ, जो वाकई हमारी धरती को स्वर्ग बनाते हैं। ज़ूम इन। तो पृथ्वी के ये चार डोमेन्स कौन से हैं? इस विशाल यूनिवर्स की रचना लाखों साल पहले हुई थी। इसमें इनफिनिट अनडिस्कवर्ड स्पेसेस हैं, खरबों सितारे हैं, लाखों आकाश गंगा हैं, और हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं। लेकिन यूनिवर्स ने सिर्फ पृथ्वी को लिविंग बींग्स के रहने लायक बनाया, और यहाँ रहना संभव हो इसलिए 3 अलग अलग कंपोनेंट्स मिल गए जिससे इंसान यहाँ रह सकें, फल फूल सकें। तो ये रहे एलिमेंट्स, जो हैं लैंड, वाटर और एयर। इन्हें हम कहते हैं पृथ्वी के 3 डोमेन्स, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, जो कि मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। तो चलो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं लिथोस्फीयर से, और इसके बारे में जानने के लिए हमें पृथ्वी के सरफेस के थोड़ा नीचे जाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कई परतों से बनी हुई है, जिनमें से क्रस्ट और मैंटल की ऊपरी परत लिथोस्फीयर बनाते हैं, जो कि असल में होता है पृथ्वी का ठोस हिस्सा। लिथोस्फीयर को आगे के 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि पृथ्वी की क्रस्ट का थिक पार्ट है, जिससे विशाल लैंड मासेस बनते हैं, और दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट, जो महासागरों और सागरों के नीचे पाया जा सकता है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा डेंस होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानते हैं। देखो, हालांकि ऐसा लगता है कि पृथ्वी अंदर से गर्म और जलती हुई है, लेकिन जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें इसके नीले रंग की वजह से एक सुकून भरा कूल प्लैनेट दिखता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, और पानी से घिरे इस एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। 71% पानी का ये हिस्सा अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जैसे कि तरल रूप में पाया जाने वाला पानी, जो होता है वाटर बॉडीज में, जैसे कि महासागरों, सागरों, झीलों और तालाब वगैरह में, साथ ही ठोस रूप में जैसे कि बर्फ, और गैसीयस रूप में जैसे कि भाप में। लेकिन हमेशा याद रखिए कि इस 71% उपलब्ध पानी में से सिर्फ 2.5% पानी ही इंसानों के उपयोग लायक है। इसलिए कहा जाता है कि आप समझदारी से पानी का इस्तेमाल करें और इसे बर्बाद या कंटैमिनेट नहीं करें। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आसमान को देखते हैं। मुझे पता है कि आपको लगता है कि पृथ्वी की सतह और स्पेस के बीच या तो वैक्यूम है या फिर बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि वो गैसियस की कुछ परतों से कवर्ड है। पृथ्वी चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है, और गैस की ये अनदेखी शील्ड कई ड्यूटीज निभाती है, जैसे हमें गर्म रखती है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है, और यहीं पर मौसम में बदलाव आता है। एटमॉस्फेयर इसके अलावा भी कई परतों से बना है, और हर परत की अपनी खासियत है। तो दोस्तों, पहली परत है ट्रोपोस्फीयर, जो एटमॉस्फेयर की लोएस्ट परत है,
ये पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 5 से 9 माइल्स तक है और ये दूसरी परतों से ज्यादा डेंस है। ट्रोपोस्फीयर वो जगह है जहां पृथ्वी के सारे मौसम घटते हैं और एटमॉस्फेयर के कुल मास का करीब 80% हिस्सा यहीं पर है। अब जैसे हम पृथ्वी की सतह से 31 माइल्स आगे तक पहुंचते हैं तो हम दाखिल होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। ये वाइटल लेयर अपने अंदर उपस्थित एक ओजोन लेयर की मदद से सूरज से पृथ्वी की तरफ आने वाली हानिकारक यूवी किरणों को एब्जॉर्ब करती है। तो दोस्तों अगली लेयर है मेसोस्फीयर, जहां मीटियोर जो कि बहुत तेज रफ्तार से भागते हैं जल जाते हैं। और इसके बाद बारी आती है थर्मोस्फीयर की, जहां सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं और इसी परत में आप ओरोरा को भी देख सकते हैं। और जो सबसे आखिरी परत है वो है एक्सोस्फीयर, जो स्पेस से मिलती है। अब बात करते हैं पृथ्वी के चौथे डोमेन की, जो सारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ता है, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर को भी, और वो है हमारा आखिरी स्फीयर, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पृथ्वी के हर उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है जहां जीवित ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर दो मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। ये स्फीयर विशाल आसमान से लेकर महासागरों जैसी विशाल वाटर बॉडीज के बेस तक फैला हुआ है। माना जाता है इसका निर्माण लाखों साल पहले हुआ था, जबकि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्रिएट हुआ था वो था बैक्टीरिया। तो दोस्तों ये थे हमारी पृथ्वी के 4 डोमेन्स। इस यूनिवर्स में जिंदा रहने के लिए हमें इनकी जरूरत होती है, और सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां ये मौजूद है। तो इसे सहेजिए, संभालिए और ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे इसका नुकसान हो, क्योंकि हमारे पास बस यही एक घर है, हमारा प्यारा प्लैनेट अर्थ। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी करीब 3.7 बिलियन साल पुरानी है, जिसके अनुसार बायोस्फीयर की उम्र भी लगभग इतनी ही होगी। इसके अलावा रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि बायोस्फीयर की गहराई को नापना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जो प्यूर्टो रिको ट्रेंच में 8372 मीटर की गहराई में रह रही हैं। तो आज के इस एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगली मुलाकात तक मैं डॉक्टर बायनॉक्स जूमिंग आउट। कोई बात नहीं।